हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, समय और कार्य के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे समय और कार्य और दूरी के, समय और दूरी के यानी टाइम डिस्टेंस और आपका टाइम एंड वर्क TDS, साठ भाषा में आप TDS, ठीक, यानी टाइम डिस्टेंस और स्पीड, ठीक, चाल समय और कार्य समय, दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नाव से संबंधित जो प्रश्न आते हैं और रेलगाड़ी से संबंधित आपको प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस पर आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं ये हमने पहले आपको वीडियो में डिस्कस कर दिया था, पहले वाले लेक्चर में ही, कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके प्रश्न नहीं बनाया जाता है। जो आपके बेसिक फार्मूले होते हैं सभी प्रश्नों, जैसे रेलगाड़ी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा या टाइम एंड डिस्टेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक रूल्स होंगे, बेसिक फार्मूलाज होंगे, उन पे ही आपको यहाँ पे प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको टेस्ट हम जब कराएंगे तो टेस्ट में आप देखिएगा कि पूरा पूरा इसी तरह से ही प्रश्न डायरेक्ट आपके फार्मूला पे ही आते हैं। बस आपको क्या करना है, उसी में मान पुटअप करना है, फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले समय और कार्य के बारे में देख लिया जाए। हालांकि आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह है टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो समय और कार्य में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य 5 दिन में पूरा करता है तो वह व्यक्ति 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/5 यानी जो उसकी क्षमता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति की क्षमता है कि वह जैसे 10 लोहे को या 10 लोहे के बंडल को उठा के दूसरी जगह रखने में 5 दिन लेता है, ठीक, और पूछ रहा है कि 1 दिन में वह कितने बंडल उठा के रख देगा वहाँ पे। तो कार्य क्या हुआ, यहाँ पे आपका 10 बंडल है, 5 दिन में कर रहा है, तो यानी कि 1 दिन में वो क्या कर रहा है, 2 बंडल जो लकड़ी है, ये लोहे का गट्ठर है, उसको उठा के दूसरी जगह रख पा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी जब आपको ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है तो 1 दिन में वह कितना कार्य करेगा, तो वह जो कार्य करेगा कितना, पूरे कार्य का जो 5 दिन में वो करता है उसका 1/5 भाग कार्य ही वो 1 दिन में कर पाएगा। यानी कि यदि वह पूरा काम, जैसे पूरा काम यदि मान लीजिए क्या हो, 10 हो, तो वह 1 दिन में जो काम करेगा इसका 10 का 5वां भाग यानी 1/5वां भाग क्या हो जाएगा, 2, ठीक। यदि यमोन व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए व्यक्ति को किससे डिनोट किया गया, यमोन से, समय को किससे, T1 से। तो यदि कोई व्यक्ति यमोन T1 घंटे में कार्य करते हुए D1 दिन में W1 कार्य करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है वहीं M2 व्यक्ति है जो प्रतिदिन T2 घंटे कार्य करते हुए D2 दिन में W2 कार्य करता है, तो जो ये आपस में इसको यदि ये पूछे कि D2 दिन में वह कितने कार्य करेगा, तब आपका इस तरह से निकाला जाएगा कि M1 D1 into T1 अपान W1। तो जो आपका समय और कार्य है, ठीक, ये एक दूसरे का गुणनफल यदि कर देंगे और इसमें कार्य से भाग दे दें, समय और दूरी को, और सॉरी समय और दिन को और कार्य से भाग दे दिया जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ से निकाला जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे आगे हम इस पर आपको बताएंगे प्रश्न, ठीक। अभी आप इतना याद रखिए कि M1 D1 T1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपान W2। यहाँ पे चाहे M2 का मान निकालना हो, D2 का मान निकालना हो, T2 का मान निकालना हो, W2 का निकालना हो, W1 का निकालना हो, किसी का भी मान निकालना हो, यहाँ से इसी फार्मूले से निकल जाएगा। अगला टाइम डिस्टेंस के बारे में देखिए, बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा
चाल, यानी कि समय क्या है, टी बराबर डी बाई एस। क्लियर हुआ, टी बराबर डी बाई एस। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो डी बराबर हो जाएगा एस टी, और टी यहाँ से मान निकालना है, तो टी बराबर ये इधर गुणा है तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो टी बाई एस हो गया। और एस का मान निकालना रहे तो टी का इधर गुणा है तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी एस बराबर डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, प्रश्न देखिए, यदि 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 40 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 व्यक्ति हैं। ठीक, तो अभी आपको बताया M1 कितने हैं, 16 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कोई काम कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में, यानी D1 क्या है, 10 हो गया। और उसी काम को 40 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति, 40 दिन, यानी D2 दिया है 40 दिन, कितने व्यक्ति यानी कि M2 आपको निकालना है। तो देखिए, आपने वहाँ फार्मूला पढ़ा था M1 D1 T1 upon W1 बराबर M2 D2 T2 upon W2। अब देखिए, जब आपको कार दिया ही नहीं है तो कार से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए इसको, दोनों बराबर हो जाएंगे। समय भी नहीं है तो समय भी भूल जाइए, केवल आपको यहाँ पे M1 D1 से मतलब रखना है। तो ये हो जाता है फार्मूला, M1 D1 बराबर होता है M2 D2। सेम वही चीज़ें, M1 हमने कितना निकाला, 16 निकाला है, D1 कितना निकला है, 10 निकला है, M2 आपको निकालना है और D2 आपका 40 है। ठीक, इधर कुड़ा है, तो 10 चौक 40, 4 आ गया यहाँ, ये 4 चौक 16, तो ये M2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति जो है वह उसी काम को 40 दिन में करेंगे। ठीक, अब इस तरह के प्रश्न से आप ऑप्शन को गेस करके लगा सकते हैं, जैसे कि 16 व्यक्ति मान लीजिए हैं, वो कोई काम कर रहे हैं तो 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब यही कह रहा है कि जो काम है उसी काम को 40 दिन में करवाना है, तो 40 दिन में करवाने के लिए आपको कितने लोगों की आवश्यकता होगी। जब भी आपको होगी तो 16 से कम ही होगी, क्योंकि 16 लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 10 ही दिन में कर ले रहे हैं। ठीक, तो यदि इसका देखें कि 10 दिन में ये कर ले रहे हैं, ये 40 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। ठीक, यानी दिन जब बढ़ाया जाए, दिन जब बढ़ा के पूछा जाए, तब क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है, और जब दिन घटा के पूछी जाए कि कम समय में करवाना रहे, तब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, वही चीज़ें यहाँ पे 10 दिन में और ये 40 दिन में, तो ये 4 गुना ज़्यादा समय दे रहा है। तो जब 4 गुना ज़्यादा समय दे रहा है तो ये 16 व्यक्ति हैं इसमें, तो इससे 4 गुना कम व्यक्ति होंगे, तभी तो इससे 4 गुना ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो 4 गुना कम यानी कि 4 से भाग दे दीजिए 16 में, तो 4 चौक 16 कितना आ गया, 4 व्यक्ति आ गए। तो कुछ भी नहीं करना हुआ इसमें, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। कभी कभी मान लीजिए ऑप्शन में अगर देता कि 17 दिन 20 दिन 24 दिन 4 दिन, तो आँख मूंद के आपको क्या लगाना है, 4 दिन, क्योंकि जब भी वो काम करेगा, 16 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, तो 40 दिन में करने के लिए 100% ज़रूरत होगी, तो 16 व्यक्ति से कम ही व्यक्ति की आवश्यकता होगी किसी भी कीमत पर। क्लियर हुआ, अब देखिए, यदि आपको कहीं पे भी किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज़ दिया है और पूछे कि मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा कर लिया जाता है। किसको, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए यक्स जो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, अब कितने बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक,
और एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो एक घंटे में जो मिनट होता है कितना होता है, 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 कूड़े 60 कर देंगे, तो ये आपका 20 से 20 कट जाएगा, 6 × 36 यानी 10/36 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 36 यानी आया कितना 5/18। ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। यदि एक किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना रहेगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा। समझ में आई बात कि 5/18 कहाँ से आया। ठीक, तो उतना ज़्यादा डेरिवेशन करने से अच्छा है आप यही फार्मूला, यही नंबर डायरेक्ट लिखेंगे। यदि मीटर पर सेकंड दिया रहे और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तब क्या करना पड़ेगा, उसी का उल्टा कर देना है, 18/5 से गुणा करना है, तब आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा। यदि किसी पिंड की गति, एग्जांपल देखिए, यदि किसी पिंड की गति ए अनुपाते वी के अनुपात में बदल दिया जाए तो समान दूरी तय करने में जो समय लगेगा वह बी अनुपाते ए के अनुपात में हो जाएगा। ठीक, बी अनुपाते ए के अनुपात में हो जाएगा। तो आपने देखा था कि t बराबर क्या होता है, डी वाई एस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यदि समय आपका बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s। जब t का मान बढ़ेगा तो s का मान कम हो जाएगा, यानी जब समय ज़्यादा लग रहा है, आप जाहिर सी बात सोचिए कि एक समय, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर रहे हैं, तो 15 मिनट क्या हो गया, समय हो गया, इस और दूरी कितनी 5 किलोमीटर, वही 5 किलोमीटर की दूरी यदि आप आधे घंटे यानी 30 मिनट में तय कर रहे हैं, यानी कि आप क्या चल रहे हैं, उस पर स्लो चल रहे हैं इसकी अपेक्षा। ठीक, तो यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया कि यदि कोई पिंड ए अनुपात बी के अनुपात में बदल दिया जाए उनकी गति को और समान दूरी रहे, डिस्टेंस देखिए समान है, तो समान दूरी लगने में तय करने में जो समय लगेगा वह उसका अपोजिट हो जाएगा, बी अनुपात ए में बदल जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो वह समय पर पहुंचता। घर से उसके गंतव्य स्थान की दूरी क्या है। अब देखिए कुछ इसके फार्मूला हैं, उसको आपको याद रखना है कि जब दो चाल इस तरह से दिया रहे कि यदि वह इतनी स्पीड गया होता तब पहुंच जाता, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसके लिए आपको क्या करना है कि जो दोनों चाल दी रहेगी उसका गुणा कर लीजिए और दोनों चालों का अंतर कर लीजिए। ठीक, और उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए कि आवागमन के समय जो था वो क्या अंतर था। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 5 मिनट की देरी से पहुंचा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो समय पर पहुंचता, तो दोनों चाल कौन से, 5 × 6 हो गई, इसमें से घटा भी दीजिए यानी दोनों का गुणनफल और फिर अंतर, और समय क्या लग रहा है, 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, और यदि 6 किलोमीटर चलेगा तो एकदम टाइम पे पहुंचेगा, टाइम पे एकदम पहुंचेगा, यानी कि देरी वाला जो अंतर आएगा क्या आएगा, 5 मिनट का आएगा। अब देखिए ये जो 5 मिनट है, ये 5 और 6 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5 मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया जाता है, तो 5 × 60 यानी 12×5 = 60। ठीक, तो ये आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 × 12 है ये, तो 6 × 12 हो जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 5 इधर ऊपर और गुड़े इधर 1 × 2, 5/2 किलोमीटर आ गया, लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। ठीक, घर से उसके गंतव्य स्थान की दूरी। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको आपको देखना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपके जवान पे एकदम रट जाना चाहिए। अब देखिए गाड़ी से, रेलगाड़ी संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसके लिए क्या करना होता है। यदि रेलगाड़ी कोई खंभा को पार करे, स्थिर व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे,
तो पार करने की प्रक्रिया में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वह क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये खंभा है, ठीक, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जब पूरी तरह से ये इसका लास्ट वाला डिब्बा भी पार हो जाएगा तभी तो मानी जाएगी कि यह इतनी दूरी तय की, यानी इसने पोल को पार कर लिया। तो पोल को पार करने में जो समय लगेगा या जो दूरी होगी वो क्या होगी, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वही दूरी आपका उसको, यानी रेलगाड़ी के द्वारा जो चली गई दूरी है वही होगी। दूसरा जो टाइप है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को, प्लेटफार्म को, अब यहाँ पे पहले वाले में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, स्थिर हैं। दूसरे में यदि कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी या प्लेटफार्म या पुल, सुरंग या अन्य कोई लंबी वस्तु या गाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है यह दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। कैसे? जैसे आपने पोल को देखा तो पोल तो एक मीटर भी लंबा नहीं होता, तो ये इसकी अपेक्षा नगण्य हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ी गाड़ी है और इसको यह जब ट्रेन पार करती है तो उस गाड़ी का महत्व यहाँ पे हो जाएगा। तो जो अन्य गाड़ी है उसके द्वारा, यानी कि जो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी होगी वह क्या होगा कि जो अन्य गाड़ी है उसकी लंबाई का योग और जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई का योग, इन दोनों के योग के ये बराबर ही दूरी तय कर पाएगा। ठीक, यदि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः S1 मीटर पर सेकंड और S2 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक, तो एक दूसरे के सापेक्ष जो इनका चाल होगा वह होगा S1 प्लस S2। याद रखिएगा इसको, क्या होगा, S1 प्लस S2। यदि दो रेलगाड़ी S1 और S2 चाल से चल रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं, ये कई दिशा में जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सापेक्ष उनकी जो चाल होगी S1 माइनस S2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक, चाल वन माइनस चाल टू। अब ये कैसे होगा कि जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तब क्या होगा कि ये एक दूसरे से को पार करेंगी, तो इनकी लंबाई यदि इनके एक पूरे तय की गई दूरी का अंतर निकाला जाए तो स्पीड का अंतर पता चल जाएगा। अगला है नाव और धारा से संबंधित। ठीक, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने के लिए, यदि मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल ASB है और धारा के प्रवाह की चाल SW है, तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी दोनों का योग हो जाएगा, धारा के विपरीत में क्या होगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। यदि मान लीजिए नाव की दिशा में चाल S1 है और धारा के विपरीत दिशा में S2 है, तो जब शांत जल में नाव को लाया जाएगा तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 अपान 2। ठीक, तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो ये हो जाएगी और शांत जल में ही जो धारा की चाल है तो धारा क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 अपान 2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आइए, रेलगाड़ी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात करने के लिए दोनों रेलगाड़ियों के चालों को जोड़ दिया जाता है। यदि वे एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्षिक चाल ज्ञात करने के लिए उनके चालों के बीच अंतर निकाल लिया जाता है। और यदि कोई प्लेटफार्म या पुल को पार करती हैं तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर ही वो दूरी तय करेगी। तीसरा है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी वह तय करेगी। नेक्स्ट है, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों अपनी लंबाई के योग के बराबर ही दूरी तय करती हैं। समझ में आई बात? ये मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ये आगे जा रही है, ठीक, और इधर से कोई आ रही है, तो जब ये पूरी तरह से इसको नहीं पार करेगी तब तक क्या होगा, इन दोनों
की लंबाई का पता नहीं चलेगा, तो यही इसकी दूरी हो जाती है। किसी खंभे या स्थिर व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ पर देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को टेलीफोन के किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये आपका मीटर में दिया गया है। तो खंभे को पार करने की प्रक्रिया में गाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर ही यात्रा करनी होगी। चूँकि गाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है, इसलिए उसकी चाल को भी मीटर पर सेकंड में हम लोग बदलेंगे। तो 36 को मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें जो लगा समय हो जाएगा वह दूरी बटे चाल से निकाला जाएगा। दूरी 100 मीटर है, चाल 10 है, तो 10 दहा में 100 यानी 10 सेकंड आएगा। ठीक, अगला है जब रेलगाड़ी पुल या रेलवे स्टेशन को पार करे उस समय क्या करना होता है। तो मान लीजिए कि 36 किलोमीटर घंटा की चाल चल रही है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 मीटर लंबे पुल को पार करना है, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जब कोई पुल पार करती है रेलगाड़ी, तो केवल पुल की लंबाई पार करनी होती है बल्कि रेलगाड़ी की भी अपनी लंबाई होती है, उसको भी पार करनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया 36 × 5/18 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, एक ही दिशा में यात्रा कर रही रेलगाड़ियाँ, इससे क्या होगा कि प्रश्न का जो प्रारूप है, अभी जो हमने जो बताया कि गाड़ियाँ यदि एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो सापेक्षिक चाल जो है ये 40 − 32 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरह से 20/9 मीटर प्रति सेकेंड, और कुल लंबाई 121 + 99 = 2200 मीटर। जब गाड़ी किसी टहलते हुए व्यक्ति को पार करती है, तब क्या होगा कि जितनी उसकी लंबाई रहेगी गाड़ी की, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लीजिए चल रही है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह व्यक्ति टहल रहा है, तो कितनी देर में पार कर लेगी। तो मान लीजिए दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों, तो यहाँ पे एक एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया सापेक्षिक गति निकालने के लिए क्या करना होगा। 60 + 6 = 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय जो लगेगा 110/55 × 3। अपेक्षित गति 60 से लेके 6 किलोमीटर और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होगा, 5/18 से गुणा, तो 18 × 54 यानी 15 सेकंड आएगा। तो जो समय लगेगा वह 110/15 आएगा। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। मान लीजिए गाड़ी 100 मीटर लंबी है, तो गाड़ी की चाल क्या है कि खंभे को पार करते समय जो गाड़ी की चाल है पहले वाले में वो कितना है, 15 सेकंड पार कर लेती, यानी कि 100/15। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो 25 का है, यानी 25 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो गाड़ी की जो लंबाई होगी क्या, यहाँ से प्लेटफॉर्म का पहले निकाल लीजिए, तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय जो चाल हो जाएगी वो 100 + 110/25। तो यहाँ से ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 110 नहीं बल्कि ये देखिए 100 मीटर लंबा है ना प्लेटफॉर्म, तो 100 का इसमें योग हो जाएगा। ठीक, और समय से भाग दे दिया जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ है 100/15 और 100 + 100/25, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। ठीक, इधर ये जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5x = 3x + 300, ये इधर जाएगी, ये 2x = 300। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई खंभे को पार करने में लगा समय गुणे प्लेटफॉर्म की लंबाई बटी खंभे व प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे समय का उत्तर। ठीक, तो ये पूरा आपका यहाँ से निष्कर्ष निकला। नेक्स्ट है कि 121 मीटर और 99 मीटर दूर लंबी रेलगाड़ी है और एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं,
40 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, यानी जब वो मिलती हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो एक दूसरे को पार कर लेंगी तो ये आपका दोनों एक दूसरे को पार करने में किधर चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, एक इधर तो एक इधर। 40 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। तो यहाँ पे जो कुल लंबाई है, कुल समय आपका, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी कुल लंबाई है, चाल आपको पता ही है। तो कुल लंबाई 121 प्लस 99 बटे 20, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 220 बटे 20। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें आपका पूरा समय कार्य और चाल समय दोनों कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग औसत का लेक्चर देख लेते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।